हेलो क्लास नाइन्थ, कैसे हैं आप? बढ़िया। होमवर्क वगैरह कर रहे हो? देखो, आज का हमारा टॉपिक है ना, आज हम पढ़ाने वाले हैं पॉलीनोमियल। बहुत इम्पोर्टेंट है पॉलीनोमियल, और ये समझो कि आपके बुक का ज्योमेट्रिक के बाद सबसे बड़ा चैप्टर यही है पॉलीनोमियल। तो पॉलीनोमियल होता क्या है, अगर आपके बुक के हिसाब से देखें ना, जो डेफिनेशन है कि पॉलीनोमियल के बारे में, कि अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच एक्सपोनेंट फॉर एनी वेरिएबल आर ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर। एक्सपोनेंट, इसमें एक आता है एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट का मतलब क्या होता है? पावर, है ना, जैसे 2 की पावर q, इस तरीके से कहते हैं कि ऐसा अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें पावर हो ना, वो हमेशा पॉजिटिव हो। बड़े ध्यान से सुनना जरा, देखो, जैसे x² + y³ + xy, मैं ठीक से लिख लूँ, x² + y² + xy, ये पॉलीनोमियल है कि नहीं पता करो। यहाँ पे x की पावर क्या है? 2 पावर 2 है। y का पावर भी क्या है? 2। और यहाँ पे x का पावर 1 है, देख रहे हो, यहाँ पे x लिखा है 1 है और y का 1। तो ये 2 पावर यहाँ पे क्या है? पावर 1 और 2, यही है ना, दोनों का दोनों क्या है, इसी को बोलते क्या हो? एक्सपोनेंट। तो यहाँ पे एक्सपोनेंट क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है ना, आपको पता है, आपने नंबर्स पढ़ा है ना, पॉजिटिव इंटीजर 1, 2, 3, 4, 5, है ना, 0 भी हो सकता है, इवन कि 0 भी हो सकता है। तो ऐसे को क्या बोलते हैं? ये हो गया आपका पॉलीनोमियल, है ना, ये हो गया आपका पॉलीनोमियल। अब बहुत ध्यान से सुनना, पहचानो पॉलीनोमियल को। मतलब पहला क्वेश्चन है, है ना, इस तरीके से दिया, x^10, y^5, x²y³ अब +10, ठीक है ना। तो ये पॉलीनोमियल है कि नहीं? द गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वेदर इट इज़ पॉलीनोमियल और नॉट, ये पॉलीनोमियल है कि नहीं पता करो। यहाँ पे x की पावर, समझ रहे हो, दिमाग में डाल दिया, हमें ये चेक करना है कि पॉलीनोमियल है कि नहीं। तो उसके लिए क्या होना चाहिए कि जितने भी वेरिएबल हैं, वेरिएबल किसको कहते हो, सुन लो, एक तो होता है कांस्टेंट, जो चेंज नहीं हो सकता, कांस्टेंट, जैसे 2, 2 को कभी लिखा है कि मान लिया 2 = 2.5, लेट 2 = 2.5, ये फिक्स है। x और y का वैल्यू चेंज होता रहता है, x को कभी 5 मान लेते हैं, कभी 10, कभी 1000 मान लेते हैं, कभी कभी वॉल्यूम इक्वल टू x मान लेते हैं। तो ये वेरिएबल है, वेरिएबल का मतलब जिसका वैल्यू बदल सकता है, और ये जो है ना कांस्टेंट, जो बदल नहीं सकता। तो मैं बात कर रहा हूँ वेरिएबल, वेरिएबल में क्या दिखाई दे रहा है अभी? x और y दिखाई दे रहा है। अब जरा एक बात बताओ, ये हो गया, तो यहाँ पे पावर कितना है? पावर मतलब एक्सपोनेंट क्या दिख रहा है? 10 दिख रहा, 5 दिख रहा, 2 दिख रहा, इनमें से कुछ भी नेगेटिव है क्या? सबका सब क्या? पॉजिटिव इंटीजर है। तो एक्सपोनेंट क्या? पॉजिटिव। यहाँ पे एक्सपोनेंट जो भी है ना, एक्सपोनेंट्स आर, ये लिख दिया मैंने, पॉजिटिव इंटीजर, इंटीजर। तो देयरफॉर इट इज़ पॉलीनोमियल, ठीक है ना। पहले आप यही समझिए कि पॉलीनोमियल है कि नहीं है, ठीक है ना, पहले यही समझना है आपको। इसके बाद आगे देखो, एक और क्वेश्चन देता हूँ, x^10 x²/y³ + 10y, ये पता करो कि ये पॉलीनोमियल है कि नहीं है। मैं पता करता हूँ, ये देख रहा हूँ, एक्स टेन, ये पावर 10 ओके है, x² ये भी ओके, पर ये y को इसको ऊपर लेकर जाओ तो क्या होगा? ये देख रहा हूँ, एक पावर यहाँ पे गड़बड़ हो गया, -3 इज नॉट पॉजिटिव इंटीजर, राइट ना। तो देयरफॉर इट इज़ नॉट पॉलीनोमियल। समझते जाओ, सुनते जाओ, है ना, क्यों? क्योंकि एक पावर ऐसा आ गया जो कि पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, ठीक है। और देखिए, पहचानिए कि पॉलीनोमियल है कि नहीं। थर्ड, x²+y³√x + 10y पॉलीनोमियल है कि नहीं? तो आप आ जाओ, देखो यहाँ पे, x² + y³
x क्या है, रूट का मतलब क्या होता है, पावर हाफ प्लस टेन वाई। ये जो पावर हाफ है ना, ये जो हाफ है ये पॉजिटिव तो जरूर है पर इंटीजर नहीं है, पॉजिटिव बट नॉट इंटीजर, बट नॉट इंटीजर। इंटीजर कैसा होता भाई, इंटीजर कैसा होता, इंटीजर्स कैसे होते हैं, इंटीजर्स में जीरो भी आता है, प्लस माइनस वन भी आता है, प्लस माइनस टू भी आता है, प्लस माइनस थ्री, ये सब इंटीजर है। वन इंटीजर है तो माइनस वन भी इंटीजर है, टू इंटीजर है तो माइनस टू भी इंटीजर है, पर मुझे क्या चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव के साथ साथ इंटीजर भी होना चाहिए, तो हाफ पॉजिटिव तो है पर इंटीजर नहीं है क्योंकि ये फ्रैक्शन है, ठीक है ना। तो देयरफॉर इट इज़ नॉट, इट्स नॉट इंटीजर, सॉरी पॉलिनोमियल। तो ये जो आपने लिया ना पॉलिनोमियल नहीं है, पॉली का मतलब बहुत सारा, पॉली का मतलब बहुत सारा, ठीक है ना। अब ये देखो क्लियर है, तो कौन सा इंटीजर है कौन सा इंटीजर नहीं है ये आप खुद पता कर लोगे। इसके बाद देखिए पॉली का मतलब क्या होता है, बहुत सारा, पॉलिनोमियल है ना। अब देखो, अब वेरिएबल, पहले तो ध्यान से सुनना कि पॉलिनोमियल में पावर कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, पावर कभी भी नेगेटिव में नहीं होना चाहिए। वेरिएबल जैसे यहाँ पे मैं देता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पे देता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू, समझो यहाँ पे टू वेरिएबल है, यहाँ पे क्या है, टू वेरिएबल, कौन कौन सा, एक्स एंड वाई देख लो, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे केवल एक ही चीज़ दिख रहा ना बदलने वाला, वन वेरिएबल, क्या है वो, एक्स है। इसको बोलेंगे, इस वाले को हम क्या बोलेंगे, ऐसे टू वेरिएबल पॉलिनोमियल, टू वेरिएबल्स पॉलिनोमियल है ना। और इसको क्या बोलेंगे, केवल एक ही है, इसको क्या बोलेंगे, वन वेरिएबल या सिंगल वेरिएबल पॉलिनोमियल, समझ रहे हो बात को, ठीक है ना। तो अगर दो, अगर मान लो यहाँ पे एक और होता एक्स वाई जेड, तो थ्री वेरिएबल्स वाले हो जाते, तो ये इस तरीके से है ना। अब जरा देखो, बात होगी अब वन वेरिएबल पॉलिनोमियल की, वन वेरिएबल पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल्स की, ठीक है। अब एक टर्म आपको दिखाई देगा, डिग्री, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स, ठीक है ना। तो हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ पॉलिनोमियल है ना, तो डिग्री की बात हो, सबसे पहले पॉलिनोमियल होना जरूरी है, अगर पॉलिनोमियल हो तो उसका हाईएस्ट। जैसे देखो फाइन डिग्री, फाइन डिग्री, ये क्वेश्चन लेके चलता हूँ, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ये क्वेश्चन, ठीक है ना। पहला एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू, ठीक है ना। तो यहाँ पे वन वेरिएबल है ना, ये कौन सा, पहले तो आप देखो अगर वेरिएबल की बात करूँ तो कितने वेरिएबल हैं, वन वेरिएबल, वो कौन सा, केवल एक्स है ना, ये सारा का सारा केवल एक्स में ना, तो वन वेरिएबल है। और पॉलिनोमियल है कि नहीं, कहीं पे पावर फ्रैक्शन में दिख रहा क्या, थ्री है और टू है ना, और जहाँ पे कहीं नहीं है जैसे टू है, तो यहाँ पे एक्स की पावर जीरो तो लिख सकते हैं ना, किसी पे पावर जीरो क्या होता है, वन, और जीरो भी इंटीजर में आता है कि नहीं आता, ठीक है। तो ज़रा एक बात बताओ, तो टू, समझो बाद में इस पर भी बात कर लेंगे, टू यहाँ पे पॉलिनोमियल है, मुझे बताइए हाँ या ना, पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल है, चलो मैंने क्वेश्चन पूछा, देख लो एच ए आई है, आपका आंसर क्या है, तो बताइए हाईएस्ट, हाईएस्ट एक्सपोनेंट क्या हो गया, हाईएस्ट एक्सपोनेंट बताओ कितना हो गया, हाईएस्ट पावर यहाँ पे तीन है, दो है, यहाँ पे जीरो है, किसी पे पावर जीरो वन होता है, तो क्या हो गया, थ्री, ये हो गया। तो डिग्री, इसी को बोलते हैं डिग्री, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो गया, थ्री, जो हाईएस्ट पावर है वही उसका डिग्री हो गया, ठीक है ना। तो ये क्लियर है भाई। एक और देखो, देखिए 5x4 माइनस 3x प्लस 2 है ना,
अब बताओ इस पॉलिनोमियल का, पहले तो पॉलिनोमियल है, बिल्कुल है, यहाँ पे चार पावर, इसका वन पावर है, पॉजिटिव है, तो हाईएस्ट इसका डिग्री क्या हो गया, इसका डिग्री हो जाएगा फोर, क्योंकि हाईएस्ट, क्लियर है ये डिग्री, समझ रहे हो ना बात को। इसके बाद एक और, जैसे देखो 5x³ + 3√x + 10, ये पॉलिनोमियल है। अब यहाँ देखिए 5x³ ओके है, 3x रूट का मतलब क्या होता है, हाफ, दिस इज नॉट ओके, हाफ इज नॉट इंटीजर, इंटीजर होना जरूरी था पावर का, है ना, तो डिग्री तो छोड़ो ये पॉलिनोमियल ही नहीं है, है ना, देयरफॉर इट इज नॉट पॉलिनोमियल। भाई पॉलिनोमियल होता ना तो डिग्री की बात कर लेते, पॉलिनोमियल है ही नहीं, ठीक है ना ये। इसके बाद और देखिए जरा, मान लो कुछ इस तरीके से 3x³ + 10/x²-3, इसका डिग्री अगर पूछो तो क्या होगा, फाइन डिग्री, तो पहले ये देख रहे हो डिग्री, समझ रहे हो ना, इसका डिग्री फाइंड आउट करना है, 10x-2-3, अब ये -2 कहीं से पॉजिटिव है क्या, अगर इंटीजर होता भी तो, इंटीजर वैसे है पर पॉजिटिव नहीं है ना, नॉट पॉजिटिव है ना, तो देयरफॉर इट्स नॉट पॉलिनोमियल। तो आप समझ जाइए पॉलिनोमियल के लिए पावर हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये अब जरा देखो, अब पहचान जाओगे ना कौन सा पॉलिनोमियल है कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है। अगर पॉलिनोमियल है तो डिग्री फाइंड आउट कर सकते हो, डिग्री किसको कहते हैं, हाईएस्ट पावर, अगर पॉलिनोमियल है तो उसका जो हाईएस्ट पावर होगा ना वो होगा डिग्री, ठीक है ना। अब एक अलग अलग आता है, थोड़ा ध्यान से सुनना, एक होता है कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल, कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल है ना, ठीक है ना, इसका जो डिग्री होगा ना, डिग्री होगा जीरो, उसको बोलते हैं कॉन्स्टेंट। जैसे मान लो मैंने लिखा टेन, ठीक है, तो टेन को मैं क्या लिख सकता हूँ, 10x⁻⁰, तो जीरो, जीरो क्या इंटीजर और नेगेटिव तो कहीं से भी नहीं है, तो देयरफॉर पॉलिनोमियल। और बताइए हाईएस्ट एक्सपोनेंट इसका क्या है, हाईएस्ट एक्सपोनेंट क्या है इसका, जीरो है ना, एक ही चीज़ तो है, जीरो है, इसलिए इसका क्या बोलेंगे, जीरो डिग्री पॉलिनोमियल, इसको क्या बोलेंगे, जीरो, मैं ऐसे लिख लूँ, जीरो डिग्री पॉलिनोमियल है ना, क्लियर है, इसी को क्या बोलते हैं, कांस्टेंट, इसी को क्या बोलते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, समझ रहे हो, जीरो कहीं पे अगर लिखा ना जीरो पॉलिनोमियल, तो उसका मतलब होता है उसका डिग्री जीरो है, जीरो पॉलिनोमियल का मतलब नहीं, जीरो पॉलिनोमियल का मतलब जीरो नहीं होता, ध्यान से सुनना, जीरो पॉलिनोमियल इक्वल टू जीरो, ये जरूरी नहीं है, क्लियर है ना, इट्स नॉट नेसेसरी, बात समझ रहे हो ना, जीरो पॉलिनोमियल, जैसे यहाँ पे टेन था, ये भी जीरो पॉलिनोमियल है क्योंकि इसका डिग्री क्या है, जीरो, 100,000 है देख लो, है ना, तो यहाँ पे भी जरा बताओ 100,000x⁻⁰, इसका डिग्री क्या है, जीरो है ना, पर इसका मतलब थोड़े ना कि ये जीरो है, ये 100,000 है, तो डिग्री जीरो पॉलिनोमियल का मतलब जीरो डिग्री पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल मीन्स जीरो डिग्री पॉलिनोमियल, इट मीन्स इट्स नॉट इक्वल टू जीरो, राइट, इट मे बी जीरो और मे नॉट बी जीरो, कुछ भी हो सकता है, पर कन्फर्म नहीं है, अगर जीरो पॉलिनोमियल है तो 100,000 भी हो सकता है, 1,00,000 भी हो सकता है, समझ रहे हो, जीरो पॉलिनोमियल का मतलब x⁻⁰, यहाँ पे कुछ भी लगा दो, 100,000, 200,000, 300,000, ठीक। एक तो ये हो गया कांस्टेंट पॉलिनोमियल, एक होता है लीनियर पॉलिनोमियल, है ना, दूसरा है लीनियर, ठीक है भाई, लीनियर,
लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर यहाँ पे जो डिग्री होगा ना वो वन होगा। आपको पता है डिग्री का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट पावर। लीनियर वाले का डिग्री क्या होता है? डिग्री क्या होता है? वन। हाईएस्ट पावर क्या होता है? वन। समझ रहे हो बात को? इसका हाईएस्ट पावर क्या होता है? वन। जैसे 2x+3 देख रहे हो, 3x-2 सब पे हाईएस्ट पावर क्या है? वन है ना, तो इसका डिग्री वन है। तो वन डिग्री वाले को क्या बोलते हो? लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया। इसके बाद आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इस वाले का डिग्री क्या होता है? टू। डिग्री क्या होता है? टू, है ना। जैसे 2x²+3x+5 है ना। और देखो 2x²+3 मतलब जो भी हो, ऐसा नहीं कि x होना जरूरी है, पर अगर x है तो उसका मैक्सिमम पावर 2, उससे कम भी हो सकता है। ये देखो ना, केवल ऐसा देखो खाली x², ये सब किसका एग्जांपल है? क्योंकि तो सब में क्या है, डिग्री क्या है? 2 है। पॉलिनोमियल है क्योंकि तो पॉजिटिव पावर है सबका इंटीजर में, तो ये क्वाड्रेटिक। ठीक है, इसके बाद आता है थर्ड, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल इसका डिग्री क्या हो जाएगा? क्यूबिक पॉलिनोमियल का वाले का डिग्री होता है 3। क्यूबिक पॉलिनोमियल वाले का डिग्री होता है 3, है ना, डिग्री होता है 3। जैसे 3x³+2x²+5x+6 ठीक है, या 3x³+2 ऐसा कुछ भी, मतलब एक x में एक x ऐसा हो जिसपे पावर 3 हो। ये फोर्थ हो गया आपका बाईक्वाड्रेटिक। बाईक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो कुछ इस तरीके से होता है, x⁴-3x²+5 मतलब एक पावर तो 4 होना ही चाहिए, है ना। तो इस वाले का डिग्री क्या होगा भाई? इस वाले का डिग्री क्या होगा? 4। और डिग्री क्या होता है? जो भी वेरिएबल होता ना उस पर हाइएस्ट जो पावर होता है, एक्सपोनेंट होता, उसी को हम क्या कहते हैं? डिग्री कहते हैं। क्लियर हो गया। अब जरा देखो, अब मान लो कुछ इस तरीके से आता है, बड़ा ध्यान से सुनना इसको, थ्योरी को ढंग से पढ़ के रखना, नेक्स्ट क्लास में होमवर्क मिल जाएगा आपको इस पर। तो पॉलिनोमियल समझ में आ गया ना, जिसपे एक्सपोनेंट या पावर जो है ना वो हमेशा क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए, पॉजिटिव, ना नेगेटिव होना चाहिए ना फ्रैक्शन होना चाहिए। ठीक है, अब जैसे ये देखो, एक ऐसे मैं लेता हूँ एक्स, कोई एक पॉलिनोमियल है एक्स, पहले पॉलिनोमियल है कि नहीं है? क्यों? क्योंकि एक्स है उस पर पावर 1 है, ठीक है ना। इसको क्या बोलेंगे? लीनियर। लीनियर बोलेंगे ना, लीनियर पॉलिनोमियल। बस मैं लीनियर लिख दूँ समझ में आ जाएगा, इसका डिग्री क्या हो गया? 1। इस लीनियर भाई, लीनियर वाले का डिग्री 1 ही होता है। इसको बोलेंगे मोनोनोमियल। मोनो का मतलब होता है 1, क्योंकि इसमें एक ही चीज़ है ना। और सुनो मेरी बात ध्यान से, x⁴100 ये भी पॉलिनोमियल है, या 100 बहुत हो गया, छोड़ दो ये 4। यहाँ पे बताओ डिग्री क्या है? 4 है ना। इसको ये 4 वाले को क्या बोलते हैं? बाईक्वाड्रेटिक। तो बताओ, एक ही चीज़ दिख रहा ना x का 4, इसके बाद कुछ और दिख रहा क्या? इसको भी हम क्या बोलेंगे? मोनोनोमियल। मतलब एक ही चीज़ है, एक ही चीज़ है। नोमियल का मतलब होता है एक्सप्रेशन, एक्सपेंड करना, एक ही चीज़ फैला हुआ है, देख लो आप। और सुनो ध्यान से, ये देखो 3x+2 तीसरा देखो, है ना। इसमें बताओ इसका डिग्री क्या है? इस वाले का डिग्री क्या है? हाईएस्ट पावर क्या है? सबको दिख रहा है भाई, हाईएस्ट पावर क्या? 1 है ना। तो डिग्री क्या हो गया? 1। तो लीनियर हो गया। 1 डिग्री वाले को क्या बोलते हो? देयरफॉर इट्स लीनियर। 1 डिग्री वाले को क्या बोलते हो? लीनियर।
अब बताओ यहाँ पे कितना है, बताओ कितने टर्म्स हैं, 2x + 1 टू टर्म्स है ना, टू टर्म्स हैं, टू तो इसको बोलेंगे बाइनोमियल, बाइनोमियल, बाई का मतलब होता है टू, है ना। फिर आप देखो और भी देखो फोर्थ, जैसे मान लो ऐसा लिखा x5 - 3x, है ना, बताइए यहाँ पे डिग्री क्या है, यहाँ पे डिग्री है 5, पर यहाँ पे दो ही चीज़ है ना, एक और दो, इसको भी क्या बोलेंगे, बाइनोमियल, नोमियल, है ना। उसी तरीके से अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया मान लो एक और x³ - 3x + 2, इसका डिग्री बताओ हाईएस्ट पावर कितना दिख रहा, हाईएस्ट पावर 3 है, 3 पावर वाले को क्या बोलते हो, जिसका डिग्री 3 होता है उसको क्या बोलते हो, क्यूबिक बोलते हो ना, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल है। पर यहाँ पे आप जरा गिन के देखिए कितने सारे हैं, 1, 2, 3 है ना, इसको बोलते हैं ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल है ना, नोमियल। तो चाहे मोनोनोमियल हो, पॉलिनोमियल का ही हिस्सा होता है, केवल इसमें एक चीज़ दिखाई देगा, बाई का मतलब होता है दो, तो दो चीज़ दिखाई देगा, चाहे कुछ भी डिग्री हो, चाहे कोई भी डिग्री हो, ट्राइनोमियल, टेट्रानोमियल, पेंटानोमियल, ऐसे ही आगे चलता रहेगा, फिलहाल उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। अब ना देखो थोड़े से डिग्री की बात कर लेते हैं, जैसे क्वेश्चन है फाइंड डिग्री, फाइंड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, फाइंड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। मैं यहाँ पर देता हूँ 3x5 - 2x³ + x² / 5x² फर्स्ट क्वेश्चन डिग्री फाइंड आउट करना है। अब जरा एक बात बताओ, ये अपॉन में है ना, तो पहले तो इसको ढंग से लिख लो, 5x² - 2x³ / 5x² + x² / 5x² आपको पता है कि 5 बार है, 2 बार है, पावर ऊपर जाके माइनस होगा, अभी इसके पहले ही अपने एक्सपोनेंट पढ़ा था, तो 3/5 5 में से 2 गया तो इसको x क्यू लिखेंगे, माइनस 3 में से 2 गया तो यहाँ पे 2/5 x लिखेंगे, अब प्लस x² 2 में से 2 गया, खाली क्या बच गया 1/5। ये 1/5 कांस्टेंट है, ये 2/5 कांस्टेंट है, 3/5 कांस्टेंट है, बटे में कांस्टेंट, अपॉन में कांस्टेंट, डिनोमिनेटर में कांस्टेंट आता है, कोई बात नहीं। अब खाली x को देखिए, यहाँ पे x की पावर 3 है, यहाँ पे x की पावर 1 है ना, तो पहले आप बताइए पॉलिनोमियल है, मैं पूछूं आपसे पॉलिनोमियल है, ये रहा क्वेश्चन, HAI है, आपका आंसर क्या है बताओ, आपका आंसर है नहीं रे, ये रहा आंसर, ठीक है। तो अगर पॉलिनोमियल है तो इसके बाद बात करेंगे कि डिग्री क्या, अगर पॉलिनोमियल है तो डिग्री की बात हो, तो हाईएस्ट पावर कितना दिख रहा है 3, तो डिग्री इसका क्या हो गया 3, ठीक है ना। अब जरा देखो गौर से, जैसे मान लो ऐसा कुछ दिया 3x² - 7x + 2/x, ये देखो है ना, मैं कहता हूँ फाइंड डिग्री, इसका डिग्री फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन वही है ना फाइंड डिग्री, ये थर्ड क्वेश्चन है, तो मैं अलग अलग कर लेता हूँ, (x - 7x) / (x + 2x), एक x से एक x कैंसिल, -7 + 2x, थोड़ा सा ढंग से कर लो, x की पावर 1 है, देख रहे हो 3x² है, 7 यहाँ पे कुछ नहीं तो 0 तो है ना, और अब ये 1 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा -1, तो इट्स नॉट पॉलिनोमियल। जब पॉलिनोमियल है ही नहीं, अच्छा पॉलिनोमियल, जब ये पॉलिनोमियल है ही नहीं तो डिग्री की बात ही नहीं होगी, डिग्री की बात तो तब हो ना जब पॉलिनोमियल हो जाए, तो यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं, तो भूल जाओ इसको। अब जरा देखो एक अच्छा सा क्वेश्चन देता हूँ, सुनो (x⁻²) - √x/√x, क्वेश्चन वही है फाइंड डिग्री, दिख रहा है आपको (x³)। अपने अभी पिछले वीडियो में मैंने बताया था एक्सपोनेंट के बारे में बताया था, तो सुनो मिली बात, (x³)² का मतलब क्या होता है 3/2, 1+2 क्या होता है भाई, ऐड करके देखो 3/2 हो रहा कि नहीं हो रहा, अब क्या होता है इसको हम क्या लिख सकते हैं (x⁻)(x½) लिख सकते हैं ना, अब x हाफ का मतलब क्या होता है √x, और सुनो
x की पावर 5/2, इसको 5/2 को अपने मोहल्ले वाली भाषा में क्या बोलते हैं हम लोग, ढाई बोलते हैं, ढाई, पाँच का आधा, ढाई। इसको अगर तुम डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, 2.5, नहीं मतलब 2 and + 1/2 ऐसा आएगा ना, 0.5 का मतलब हाफ। तो ये रहा एक्स टू और ये रहा एक्स हाफ, प्रोडक्ट सेम, वो पावर ऐड होता है ना, एक्स टू रूट एक्स, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं। मैंने बताया था पिछले वीडियो में एक्स 7/2, इसको हम क्या लिख सकते हैं, डिवाइड करके देखो 7/2 को, तो क्या लिख सकते हैं x3 + 1/2। तो ये हो गया एक्स 3 और हाफ को क्या लिख सकते हैं, ये पिछले वीडियो में बताया था, ध्यान रखना ठीक है। अब यहाँ पे आ गया ये, अब ये रहा क्वेश्चन, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 3/2 का मतलब एक और आधा, ये रहा एक, ये रहा आधा। अब ऊपर से रूट एक्स कॉमन आ जाएगा, एक्स माइनस वन अपॉन रूट एक्स, ये और ये कैंसिल, इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वन। तो पहले तो लग रहा था कि पॉलिनोमियल है ही नहीं, अब पॉलिनोमियल दिख रहा, एक्स वन माइनस है ना, इसका डिग्री क्या हो गया, इसका डिग्री हो गया 1। समझ रहे हो ना बात को, ऐसे क्वेश्चन आएंगे तैयार रहना। फोर्थ क्वेश्चन फिर वही है, फाइंड डिग्री, मान लो ऐसा कुछ दिया 7/2 - x 5/2 - x 3/2 / x√x, फाइंड डिग्री। अब वीडियो पॉज करके बनाने की कोशिश करो, मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ। 7/2 क्या होता है, ये 3.5 होता, 3.5, ये रहा 3, ये रहा आधा, ऐड करके देखो ये होता ढाई, 2 और आधा है ना, और ये 1 और आधा, यही होता ना। अब ये देखो एक्स थ्री रूट एक्स, आधे को ऐसा लिख सकते हैं, माइनस एक्स टू रूट एक्स माइनस थ्री एक्स वन रूट एक्स अपॉन क्या, एक्स रूट एक्स। अब कॉमन सब में देखो क्या कॉमन आ रहा है, रूट एक्स सब में आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो रूट एक्स सब में आ रहा, तो रूट एक्स ऊपर से कॉमन लो, तो यहाँ पे क्या हो गया एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स अपॉन क्या, एक्स रूट एक्स। रूट एक्स से रूट एक्स कैंसिल, अभी भी एक्स है, तो जरा सोचिए तो क्या बचेगा, एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स अपॉन एक्स, अलग अलग डिवाइड कर लो, एक्स क्यू बाई एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स माइनस थ्री एक्स बाई एक्स, एक्स एक्स कैंसिल, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस थ्री। अब ढंग से दिख रहा कि नहीं दिख रहा, अब हाईएस्ट पावर क्या हो गया 2। अब जरा बताइए ये देखिए जरा, तो इसका डिग्री क्या हो गया, इसका डिग्री हो गया 2। पहले तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था डिग्री क्या होगा, लेकिन जब इसको सॉल्व किया ना थोड़ा ढंग से, तो पता चला कि ऐसा आ गया। और ये बड़ा ढंग का चीज़ है, ये पॉलिनोमियल है, कैसा वाला पॉलिनोमियल, इसमें 3 टर्म्स है ना, ट्राइनोमियल है, और हाईएस्ट पावर क्या 2, तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा 2, ठीक है ना। मैं होमवर्क दे दूंगा इस टाइप का, आप इसको ट्राई कीजिएगा, वीडियो को बड़े ध्यान से देखना, एक एक बात को सुनना, ठीक है, थोड़ी समझदारी दिखाना।